नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग करियर क्लब में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन की। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो के लिए अपडेट रहें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एलिमिनेशन। इसमें पहला टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस मेथड ऑफ केयरिंग ड्यूरिंग एलिमिनेशन नीड, कि एलिमिनेशन के दौरान वो कौन कौन से मेथड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एलिमिनेशन के लिए। तो इसमें इंट्रोडक्शन है, केयरिंग फॉर इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द एलिमिनेशन नीड्स इंक्लूडिंग प्रोसेस सच एज यूरिनेशन एंड डेफिकेशन इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग देयर ओवरऑल हेल्थ डिग्निटी एंड वेलबींग। तो इसका मतलब होता है कि प्रत्येक इंडिविजुअल की एलिमिनेशन की नीड्स में इंक्लूड है क्या क्या है, यूरिनेशन और डेफिकेशन, जो कि इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए। यदि हम इनके यूरिनेशन और एलिमिनेशन को मेंटेन करेंगे तो उनकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, उनकी मर्यादा बनी रहेगी और उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है, वेरियस मेथड ऑफ केयरिंग प्ले क्रूशियल रोल इन एंश्योरिंग दैट दीज नीड आर मेट इफेक्टिवली, कि यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं जो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो इसमें पहला मेथड है पर्सनल हाइजीन। यदि कोई हर व्यक्ति अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखेगा तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो गुड हेल्थ हाइजीन में उनकी हैबिट्स, गुड हाइजीन हैबिट्स होनी चाहिए उनकी, जैसे फूड हाइजीन होनी चाहिए, टॉयलेटिंग हाइजीन उसको करनी चाहिए, हैंड हाइजीन उसको करनी चाहिए, कफिंग एंड स्नीजिंग हाइजीन, कफिंग करते समय या स्नीजिंग छींकते समय उनको या तो हाथ रखना चाहिए मुंह पे या रुमाल रखना चाहिए। होम हाइजीन, अपने घर की साफ सफाई रखनी जरूरी है। ओरल हाइजीन, अपने मुंह की साफ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। बाथिंग रिचुअल, अपने को डेली स्नान करना है। हेयर केयर, अपनी बालों को सज के सवार के रखना है। यह है पर्सनल हाइजीन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एसेसिबिलिटी एंड सेफ्टी। एसेसिबिलिटी एंड सेफ्टी क्या होता है कि कोई भी मरीज या पेशेंट होता है उसको चलने या फिरने में हमारे को उनकी मदद करनी है और उनका ध्यान रखना है, उनकी सेफ्टी जरूरी है। जैसे किसी पेशेंट को व्हीलचेयर पे लेके जा रहे हैं तो अपने को उसको आराम से लेके जाना है और हमेशा जो सपोर्टिव बेल्ट होता है वो बांध के रखना है। या कोई भी मरीज है उसको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है तो उसको हमें हाथ पकड़ के उनको सहारा देना है और उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उनमें हमारे को उनकी मदद करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेसी एंड डिग्निटी। प्राइवेसी और डिग्निटी क्या होती है कि हमारे को हर मरीज की प्राइवेसी और उसकी मर्यादा को मेंटेन रखना है। यदि उनको बाथिंग करवा रहे हैं, टॉयलेटिंग करवा रहे हैं तो अपने को प्राइवेसी मेंटेन करनी है, कर्टन लगा के करनी है ये चीज़ें, ताकि उनकी जो प्राइवेसी होती है वो उनकी छवि के बारे में बताती है और उनकी मर्यादा बनाए रखनी है अपने को। हम नेक्स्ट बात करेंगे एजुकेशन की। मरीज को हमारे को एजुकेशन देनी है कि आपको डेली एक्टिविटीज़ जो करते हो, डेली एक्टिविटीज़ होती है उनको कैसे करना है और डेली एक्टिविटीज़ करते हुए अपने को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, यह चीज़ें हम उनको सिखाएंगे। नेक्स्ट है इनकॉन्टिनेंस मैनेजमेंट। अपना जो इनकॉन्टिनेंस मैनेजमेंट होता है कि अपने को जो अपना अपने को टॉयलेट को ज़्यादा देर तक अपने को ब्लैडर को फुल नहीं करना है, तो यूरिनेशन इनकॉन्टिनेंस को समझने के लिए हम पिक्चर में देखेंगे ट्राई पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। अपने को जो पेल्विक, अपना जो पेल्विक एरिया है अपनी बॉडी का, उसकी एक्सरसाइज करनी है। दूसरा है लिमिट योर कैफीन एंड अल्कोहल इंटेक। अपने को कैफीन और जो अल्कोहल है उसको लिमिट में ही इंटेक करना है। नेक्स्ट है चेक योर मेडिकेशन। अपने को अपनी मेडिकेशंस वगैरह को चेक करते रहना है। चौथा है वियर लूज क्लोथिंग एंड अवॉइड कॉन्स्ट्रक्टिंग अंडरगारमेंट्स। अपने को लूज क्लोथ, अपने को बहुत ही ढीले कपड़े पहनने हैं और जो कॉन्स्टिक, जो बिल्कुल टाइट अंडरगारमेंट्स होते हैं वो अपने को नहीं पहनना है। स्टैंड हाइड्रेट थ्रू आउट द डे। अपने को डेली हाइड्रेट रहना है। नेक्स्ट है विजिट योर डॉक्टर रेगुलरली फॉर फॉलो अप एंड एग्जाम्स।
कि अपने को अपने डॉक्टर के पास रेगुलरली अपने बॉडी का चेकअप करवाना है। नेक्स्ट है प्लान अहेड एंश्योरिंग रेस्ट रूम अवेलेबिलिटी एट लोकेशन योर विजिट यू विजिट। अपने को अच्छे से रेस्ट, जहाँ पर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं अपने को वहाँ पर रेस्ट रूम में अच्छे से रेस्ट करना है। ट्राई रिज्यूबल पैड्स और प्रोटेक्टिव ब्रीफ्स विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अपने को जो रीयूजिबल पैड्स होते हैं उनको अपने को यूज में लेना है और जो प्रोटेक्टिव पैड्स वगैरह होते हैं उनका यूज करना है अपने को, इससे हमारी जो इनकॉन्टिनेंस है वो मैनेज होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की, कि अपने को एलिमिनेशन में हमारा जो एनवायरमेंट होता है उसका ध्यान रखना है। हमारा जो चारों तरफ का एनवायरमेंट है उसको बिल्कुल स्वच्छ रखना है अपने को, गंदा नहीं रखना है। गंदा रखेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अपने को उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उनको अच्छे से समझाना है और उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ है एलिमिनेशन और यूरिनेशन उनमें अपने को क्या करनी है, उनकी हेल्प करनी है, उनको सपोर्ट देना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक है केयर प्लान एक्टिविटीज इन पेशेंट विथ यूरिन एंड बोवेल इनकॉन्टिनेंस एंड इन पेशेंट विथ यूरिनरी कैथेटर। कि जो यूरिन जो पेशेंट का इनकॉन्टिनेंस है यूरिन और बोवेल का, उसमें और पेशेंट के यूरिन जो जिनके यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ होता है उनकी केयर में अपनी क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, अपने को क्या क्या नहीं करनी है उनकी केयर के लिए। तो पहला है इनडिविलिंग कैथेटर केयर, जो मरीज के कैथेटर लगा हुआ होता है उसकी केयर कैसे करनी है अपने को, तो क्या क्या करना है। डू परफॉर्म पेरी केयर यूजिंग ओनली सोप एंड वाटर, कि अपने को जो उसके कैथेटर है उसकी केयर करनी है उसके लिए अपने को सोप और वाटर का ही उपयोग करना है। डू कीप द कैथेटर एंड ट्यूबिंग फ्रॉम लिंकिंग एंड बिकमिंग ऑब्स्ट्रक्टेड, कि अपने को जो कैथेटर और उसकी ट्यूब होती है यदि वो ऑब्स्ट्रक्ट है तो उसको अपने को हटा देना है, उनको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं रखना है। डू कीप कैथेटर सिस्टम क्लोज व्हेन यूजिंग यूरिन कलेक्शन बैग और लेग बैग, यदि हम यूरिन कलेक्ट कर रहे हैं तो अपने को जो यूरिनरी कैथेटर होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना है या उसको बंद कर देना है। नेक्स्ट है डू रिप्लेस कैथेटर एंड कलेक्शन बैग दैट बिकम डिस्कनेक्टेड, यदि अपना जो कैथेटर और जो यूरिन बैग है यदि वो डिस्कनेक्ट हो गया है तो अपने को वो बदलना है। डू एंश्योर द रेजिडेंट आइडेंटिफायर या इम्प्लीमेंटेशन डेट इज ऑन देयर यूरिन कलेक्शन कंटेनर्स, अपने को जो उनके ऊपर जो यूरिनरी बैग या यूरिनरी कलेक्शन है हमने यूरिनरी कलेक्शन किया है तो उस पर अपने को डेट मेंशन करनी है कि हमने किस डेट को उसको कलेक्ट किया है। डू मेक श्योर टू इन डिसइंफेक्टेड द सैम्पलिंग पोर्ट बिलो ऑब्टेनिंग अ सैम्पल, हमारे को ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सैंपल कलेक्ट करें तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो जिस कंटेनर में अपन सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वो डिसइंफेक्टेड तो नहीं है, तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, जो इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन होता है वो क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन इंसर्शन फॉर वुमेन, वुमेन में इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं। रिमूव कैथेटर फ्रॉम पैकेज, जो कैथेटर यूरिनरी कैथेटर होता है उसको पैकेज में से उसको पैकेट में से हम निकाल लेंगे, उसके बाद में जो वुमेन में जो लेबिया पार्ट है जो यूरिथ्रा उसको अपन देखेंगे, उसके बाद में इंसर्ट कैथेटर टिप इनटू यूरिथ्रा, जो कैथेटर की जो टिप होती है उसको यूरिथ्रा की जो टिप होती है उसके ऊपर रखेंगे। नेक्स्ट है एम यूरिन स्ट्रीम इनटू रिसेप्टेकल, जो हम मतलब जो हम यूरिन एक बार जो यूरिन कैथेटर है वो अपने को फिक्स कर देना है। मेक श्योर अपने को ये पता लगाना है कि यूरिनरी ब्लेडर बिल्कुल एम्प्टी करना है अपने को, बिल्कुल एम्प्टी कर देना है यूरिनरी ब्लेडर को। अब मेल में कैसे करते हैं, अपने को पेनिस का जो एंगल होता है उस पर अपने को यूरिनरी कैथेटर को रखना है, 5 सेंटीमीटर अंदर तक अपने को कैथेटर को डालना है। जो ब्रीथ और रिलैक्स पेल्विक मसल्स, इससे क्या है कि
अपनी जो पेल्विक मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी और यूरिनरी कैथेटर बिल्कुल सही जगह पे फिक्स हो जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर को हम खाली कर देंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सुप्रा प्यूबिक कैथेटर केयर। जो सुप्रा प्यूबिक कैथेटर केयर होता है, जो अपने कैथेटर इंसर्ट किया है उसकी केयर कैसे करते हैं अपन, उसकी केयर करने के लिए अपने को उसको डेली ईच शिफ्ट में कि हॉस्पिटल में क्या होता है कि 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलती है, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट। तो अपने को ईच शिफ्ट में जो यूरिनरी कैथेटर होता है उसको अपने को क्लीन करना है, किससे, बीटाडीन से। बीटाडीन से अपने को इंश्योर करना है कि अपने को उसको डेली कैथेटर केयर करनी है ताकि कोई इन्फेक्शन नहीं हो। और जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है वो यूरिनरी कैथेटर के टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने को डेली यूरिनरी कैथेटर की केयर करनी है। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल कैथेटर, जो कॉन्डम कैथेटर होता है उसकी केयर कैसे करते हैं अपन। तो कॉन्डम कैथेटर देख लो जैसा पिक्चर में दिखाया गया है ऐसा होता है, तो अपने को इसकी भी वैसे ही केयर करनी है। अपने को यहाँ से बीटाडीन से इसको बिल्कुल क्लीन करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक है द प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन वाइल असिस्टिंग पेशेंट इन एलिमिनेशन नीड्स। जो एलिमिनेट जब पेशेंट एलिमिनेशन करता है, जो उसकी नीड्स होती है एलिमिनेशन की, वो करते टाइम अपने को कैसे हाइजीन मेंटेन रखना है। तो पहला है असेसमेंट, अपने को उसका फिजिकली असेसमेंट करना है, ठीक है। उसका फिजिकली असेसमेंट करेंगे अपन, असेसमेंट करने के बाद में उसका टॉयलेटिंग शेड्यूल, टॉयलेटिंग शेड्यूल में हम उसको बताएंगे कि आप टॉयलेट जाओ, ठीक है, टॉयलेट को यूज़ करो, वाइप्स यूज़ करो, यूज करने के बाद में टॉयलेट में फ्लश करो, बैठ जाओ और अपने जो भी अपनी एक्टिविटीज है पूरी करके अपने को अपने हैंड वॉशिंग करने हैं, अपनी क्या करनी है, हैंड वॉश करने हैं। तो ये होता है टॉयलेटिंग शेड्यूल। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्लूड एंड डाइट मैनेजमेंट कि अपना फ्लूड, जो मरीज है उसका फ्लूड और डाइट मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। उसको अच्छे से, अगर उसकी हेल्थ अच्छी रखनी है तो अपने को उसको क्या क्या खिलाना है फूड में, सीरियल्स, पल्सेज, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मिल्क पाउडर, मीट, फिश एंड एग, इन चीज़ों का उनको सेवन करना चाहिए। और उसको अवॉइड क्या करना है, स्पाइसी फूड, जो तीखा फूड होता है, तीखा खाना होता है उसको अवॉइड करना है। कैफीन को उसको अवॉइड करना है, एल्कोहल उसको अवॉइड करना है, लार्ज ऑन हैवी मील्स, जो हैवी ज़्यादा कैलोरी के जो खाना होता है उसको अवॉइड करना है। फ्लावर और शुगर, जो आटा और जो चीनी है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएंगे हम, तो उससे क्या होगा, उसका फ्लूड और डाइट मेंटेन रहेगी। अब नेक्स्ट है ब्लैडर एंड बोवेल ट्रेनिंग। हम मरीज को ब्लैडर और बोवेल की ट्रेनिंग देंगे, जैसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि उसको नाइट में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, यूरिनेशन करवाएंगे उसको नाइट में हम बार बार। यदि कोई बिस्तर में पेशाब करता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको बार बार 3-4 बार उठवा के बीच में उसको टॉयलेट करवाएंगे। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि उसको हम बोलेंगे कि आप थोड़ा प्रेशर लगा के अपना यूरिन पास आउट कर लीजिए। उसके बाद में ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, हम उनको बोलेंगे कि थोड़ा ब्लेडर फुल होने दो, उसके बाद में आप यूरिन करने जाना। रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस, इसका मतलब होता है कि हम उसको बोलेंगे कि अब आप अपना यूरिन जो पास आउट है वो कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्किन केयर की। हमारे को मरीज की स्किन केयर करना है तो उसके लिए हम उसको यूज ए गुड मॉइस्चराइजर, हम उसको बोलेंगे कि आप एक अच्छा जो मॉइस्चराइजर होता है जो नमी बनाए रखता है वो क्रीम यूज करनी है। बाथ विथ वार्म वाटर, हमेशा उसको बोलेंगे कि आप हमेशा गर्म पानी से नहाइए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अपने को प्लेन वाटर पीना है, ठीक है। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अपने को जो अच्छी जो धुली हुई वगैरह जो नेचुरल सब्जी और फल फ्रूट होते हैं वो हम उसको खिलाएंगे।
और स्मोकिंग और एल्कोहल को उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे तो उसकी स्किन अच्छी रहेगी, बिल्कुल मॉइस्चराइज रहेगी। अब नेक्स्ट है इनकॉन्टिनेंस प्रोडक्ट्स। जो इनकॉन्टिनेंस प्रोडक्ट्स हैं, जो इनकॉन्टिनेंस होता है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स काम में आते हैं, जैसे अंडरपैड्स हो गए, वॉशेबल वाले जो जिनको हम धो के वापस यूज कर सकते हैं, अंडरपैड्स डिस्पोजेबल जिस एक बार यूज करने के बाद में हम उसको फेंक दें, अडल्ट ब्रीफ जो अडल्ट छोटे बच्चों के लिए जो पैड होते हैं, जो डाइपर होते हैं वो, अडल्ट पुल अप्स अंडरवेयर जो अडल्ट्स के लिए अंडरवेयर होती है पहनने वाली, उसके बाद में बूस्टर पैड्स हो गए, वुमेन्स के प्रोडक्ट हो गए, उसके बाद में मेंस के प्रोडक्ट हो गए, वॉश क्लोथ वाइप्स हो गए, उसके बाद में स्किन क्लीनर केयर, स्किन उनकी स्किन के लिए क्लीन करने वाली और उनकी स्किन केयर के लिए जो जो सीरम वगैरह आते हैं उनका यूज करेंगे अपन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एनवायरमेंटल क्लीनिनेस की। जो हमारा चारों तरफ का एनवायरमेंट है उसको हम बिल्कुल क्लीन रखेंगे, जिससे क्या होगा इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, इन्फेक्शन नहीं फैलेगा तो कोई डिजीज नहीं होगी, वो बिल्कुल स्वच्छ रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इक्विपमेंट डिसइन्फेक्शन की। जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको डिसइन्फेक्ट करेंगे अपन। उनको डिसइन्फेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको, एक इक्विपमेंट्स को हम बार बार अलग अलग पेशेंट पे काम में नहीं लेंगे। यदि हम ऐसा करेंगे तो मरीज के इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है, बीमारियां हो सकती है, इसलिए हम इक्विपमेंट्स को डिसइन्फेक्टेड करेंगे, इन्फेक्शन हटाएंगे उनका। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। अपने को मरीज वगैरह को उनको एजुकेशन देनी है और उनसे बातचीत करना है, उनको उनका जो पर्सनल हाइजीन है उनको उसको मेंटेन करने के लिए अपने को उनको एजुकेशन देनी है और उनसे अच्छे से बात करनी है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। अपने का जो उनका एलिमिनेशन और यूरिनेशन की जो प्रोसेस है उनका अपने को डॉक्यूमेंटेशन करना है कि इसने कितना यूरिन पास आउट किया, कितना इसने इनटेक किया था, कितना यूरिन पास आउट किया है, इन चीज़ों का अपने को क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। अब नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर एंड टेक्सचर चेंज ऑफ यूरिन एंड स्टूल। कि यूरिन एंड स्टूल का जो कलर और जो टेक्सचर है वो चेंज होता है तो क्यों होता है, उसके लिए क्यों जरूरी है। तो पहला है इसमें डाइजेस्टिव हेल्थ। हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो अपने को अच्छी रखनी है, उसके लिए अपने को अच्छी डाइट लेनी है। नेक्स्ट है डाइटरी फैक्टर्स। जो डाइटरी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से उनका कलर और टेक्सचर चेंज होता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग क्या होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग इज ए साइन ऑफ ए डिसऑर्डर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कि यह एक बीमारी का साइन होता है, किसकी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यदि कोई बीमारी है तो उसका साइन क्या है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। अपनी जो GI होती है वहाँ से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। द ब्लड ऑफन शो अप इन स्टूल और वोमिट बट इज नॉट ऑलवेज ऑब्वियस। कि जो ब्लड होता है वो होगी अपने को स्टूल या वोमिट में हमेशा दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। अब पेप्टिक अल्सर क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर GI ब्लीडिंग। कि ये जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, अपर, जो अपने हमारा जो अपर GI ब्लीडिंग जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसमें से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर्स आर ओपन सोर्स दैट डेवलप ऑन द इनसाइड लाइनिंग ऑफ योर स्टोमैक एंड द अपर पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब क्या होता है, यदि हमारे स्टोमक, यदि पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं तो हमारा जो स्टोमक है या अपर जीआई या स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हमारे क्या हो गए, छाले हो गए हैं, अपने अल्सर्स हो गए हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, यदि लोअर GI ब्लीडिंग है तो क्या क्या कोज हो सकते हैं, हेमरॉइड हो सकते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, इंटेस्टाइनल स्कीमा हो सकता है। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की वजह से भी हमारे जो यूरिन और स्टूल होता है उसका कलर चेंज होता है। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन इज डिजीज
बाय ए स्पेसिफिक इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट। जो इन्फेक्शन होता है वो स्पेसिफिक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट हो गया, एमोबिया हो गया, इनकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होते हैं। और इन्फ्लामेशन इज द बॉडी रेस्पॉन्स टू एन इरिटेशन विच मे बी इन्फेक्शन, केमिकल और ऑटोइम्यून। जो इन्फ्लामेशन होता है ये एक अपनी बॉडी का रेस्पॉन्स होता है किसके प्रति, कोई भी इरिटेशन या कोई भी रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, उसके प्रति हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेडिकेशन और सप्लीमेंट की वजह से। कभी कभी हमारी हम मेडिकेशन और जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उनकी वजह से भी हमारी यूरिन और स्टूल का कलर चेंज होता है, उनका टेक्सचर चेंज हो जाता है। जैसे वो टेबलेट होती है मल्टीविटामिन की, जैसे हम मल्टीविटामिन की टेबलेट्स देते हैं तो हमारे यूरिन का जो कलर होता है, जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल येल्लो हो जाता है। तो इसलिए मेडिकेशन और सप्लीमेंट लेने से भी हमारे यूरिन और स्टूल का कलर और टेक्सचर चेंज हो जाता है। उसके बाद में है बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन। जो हमारा बोवेल है, जो हमारी बोवेल मूवमेंट्स होती है उनमें चेंजेज आने से भी हमारी जो यूरिन और स्टूल का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ब्लड। द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड हेमेचूरिया। यदि हमारे यूरिन में ब्लड पाया जाता है या ब्लड है तो इसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, हेमेचूरिया। इट इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द यूरिन। और ये क्या बताती है कि हमारे यूरिन में रेड ब्लड सेल्स जो RBC होती है वो हमारी यूरिन में प्रेजेंट है। इट कैन अकर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। और यह हमारा जो यूरिनरी जो ट्रैक्ट होती है उसके कोई से भी पार्ट में प्रेजेंट हो सकती है। किडनी हो गई, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरिथ्रा हो गया, इनमें कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकती है। ब्राइट रेड ब्लड इन योर स्टूल यूजुअली मींस द ब्लीडिंग इज लोअर इन योर कोलोन, रेक्टम और एनस। यदि हमारे स्टूल में जो बिल्कुल ब्राइट रेड ब्लड है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो लोअर कोलोन्स होते हैं और रेक्टम और एनस होती है वहां पर क्या है, वहां पर ब्लड प्रेजेंट है। डार्क रेड और मैरून ब्लड कैन मीन दैट यू हैव ब्लीडिंग हायर अप इन योर कोलोन और योर स्मॉल इंटेस्टाइन। यदि आपके स्टूल में डार्क रेड और मैरून कलर का ब्लड है तो इसका मतलब है कि वो ब्लड कहाँ प्रेजेंट है, आपका जो अपर ऊपर का जो कोलोन्स होते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। मेलेना क्या होता है, जो ब्लैक स्टूल होता है उसको मेडिकल टर्म में मेलेना बोलते हैं। ऑप्टन पॉइंट टू ब्लीडिंग इन योर स्टोमक सच एज ब्लीडिंग स्टोमक अल्सर। जो मेलेना होती है वो क्या होती है कि जो स्टोमक में से ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से ब्लैक स्टूल्स होता है हमारे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द यूजेज ऑफ वेरियस इक्विपमेंट यूज इन एलिमिनेशन नीड सच एज अडल्ट डाइपर, बेडपान और यूरिनल्स। की जो एलिमिनेशन होती है उनकी नीड्स को पूरी करने के लिए हमारे जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो है अडल्ट डाइपर्स, ब्रिप्स और अंडरगारमेंट्स। जो अडल्ट डाइपर्स होते हैं वो जैसे डाइपर हो गए, इन चीज़ों को, ये है हमारे इक्विपमेंट्स, वो भी एलिमिनेशन। दूसरा है अपना बेडपान। जो बेड पर यदि कोई पेशेंट बेड पर है वो उठ के टॉयलेट तक नहीं आ सकता, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेडपान इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूरिनल, मेल एंड फीमेल के लिए। जो मेल और फीमेल के लिए है वो ये यूरिनल्स होते हैं। क्या, यूरिनेशन करने के, अपने टॉयलेट करने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं यूरिनल्स। नेक्स्ट है कॉमेट चेयर। कॉमेट चेयर में क्या होता है कि इसमें 3-in-1 होता है, इसमें पेशेंट यूरिन भी कर सकता है, इससे वो एलिमिनेशन भी कर सकता है और इसमें बैठ भी सकता है। 2-in-1 होती है। स्टैंड अलोन कमोड, वो अकेला इस पर खड़ा रख सकता है। टॉयलेट सेफली फ्रेम, इस पर आराम से वो टॉयलेट कर सकता है। और टॉयलेट सीट ट्रेसर, और ये टॉयलेट सीट भी है। नेक्स्ट बात करेंगे टॉयलेट सीट राइजर और रेस्ट टॉयलेट सीट। जो
जो कंफर्टेबल एंड सिक्योर क्राफ्टेड डिजाइन फॉर बेटर यूज। जो ये सीट होती है ये उन मरीजों के लिए है जो किसी बिना सहारे के खड़े नहीं रह सकते। तो इसमें पैडेड आर्म रेस्ट होते हैं, जो आर्म होते हैं इनके पकड़ने के होते हैं, जो ग्रिप्स होते हैं वो क्या होते हैं पैडेड होते हैं, वो गद्दे के होते हैं। दूसरे हैं सॉफ्ट कुशन, जो मरीज जो बैठता है जिसके ऊपर वो किसकी होती है सॉफ्ट कुशन की होती है, बिल्कुल रुई गद्दे की होती है वो भी। ये वाटरप्रूफ होते हैं और ये नॉन स्लिप रबर फुट होते हैं। इनके जो नीचे के जो रबर्स है सपोर्टिव रबर्स वो क्या हो नॉन स्लिपेबल है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग ए पेशेंट टू द टॉयलेट। जो टॉयलेटिंग की जो प्रोसेस होती है, जब भी मरीज टॉयलेट करने जाता है तो अपने को मरीज की जो हम मदद करते हैं वो क्या क्या है। पहला है प्रिपरेशन, अपने को प्रिपरेशन करनी है उनको असिस्ट, उनको टॉयलेट तक ले जाने से पहले तो अपने को उनको पकड़ के रखना है, उनके सपोर्टिव बेल्ट वगैरह बांध के रखना है। दूसरा है कम्युनिकेशन एंड कंसेंट, हमारे को उनसे बातचीत करनी है, उनको पूछना है कि आपको क्या नीड है, कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, उससे अपने को बातचीत करनी है। नेक्स्ट है ट्रांसफर, टॉयलेटिंग तक अपने को उनको ट्रांसफर करना है किस पे, व्हील चेयर पे उनको बेड से व्हील चेयर पे लेके जाना है, कहाँ तक टॉयलेट तक अपने को, वो भी सेफली लेके जाना है। फिर है पोजिशनिंग, अपने को यदि मरीज बेड पे है तो हमारे को बेड पर ही उनको क्या करवानी है, यूरिनेशन करवानी है। उसके लिए हमारे को उनके हिसाब से यूरिनेशन के हिसाब से उनकी नीड्स के हिसाब से हमारे को उनको पोजीशन देनी है। पोजीशन कौन कौन सी होती है, टेंडलबर्ग पोजीशन होती है, सुपाइन पोजीशन होती है, फाउलर पोजीशन होती है, प्रोन पोजीशन होती है, लिथियोटोमी पोजीशन होती है, लेटरल पोजीशन होती है, ये 6 पोजीशंस होती है। नेक्स्ट है प्राइवेसी, अपने को जब भी हम उनको यूरिनेशन या एलिमिनेशन करवा रहे हैं, उनके जो टॉयलेटिंग की प्रोसेस करवा रहे हैं, उस टाइम अपने को उनकी प्राइवेसी मेंटेन रखनी है, उनको कर्टन लगा के उनके जो भी डेली एक्टिविटीज़ जो भी नीड्स है उसकी एलिमिनेशन या यूरिनेशन की उनको पूरा करना है अपने को। नेक्स्ट है असिस्टेंस विद टॉयलेटिंग, उनको जो टॉयलेटिंग स्टैंड होता है, जो चेयर होती है, उस पर बैठाने में अपने को उनकी मदद करनी है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि ये उसको वहाँ पर बैठाने के लिए उसकी मदद कर रहा है, उसको पकड़ के बैठा रहा है। नेक्स्ट है सेफ्टी, अपने को मरीज की सेफ्टी का ध्यान रखना है, अपने को क्या करना है, पहले मरीज को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मरीज है हमारे को, किस कौन से मरीज के लिए बताया गया है कि उसको अपने को उसकी केयर करनी है। उसके बाद में इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अपने को उनसे बातचीत करके जो अपना कम्युनिकेशन गैप है उनको उस गैप को पूरा करना है अपने को। नेक्स्ट है इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन, जो हाई अलर्ट मेडिकेशन के खिलाफ जो सेफ्टी है उसको अपने को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है इंश्योर करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट पेशेंट सर्जरी, और अपने को ये सुनिश्चित करना है, ये इंश्योर करना है कि हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं वो पेशेंट राइट तो है, जिसके लिए हमें बोला गया वही तो पेशेंट है, और हमारे को जो प्रोसीजर बोला गया हम वही प्रोसीजर कर रहे हैं क्या मरीज के साथ, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, जो रिस्क ऑफ जो हेल्थ केयर की जो उनके खिलाफ जो इन्फेक्शन के जो रिस्क वगैरह है उनको अपने को क्या करना है, डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल्स, अपने को जो रिस्क होते हैं मरीज के गिरने के उनको रिड्यूस करना है, उनको डिक्रीज करना है, और हमारे को ध्यान रखना है कि मरीज कहीं गिर न जाए, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, हमारे को उनकी इन सब एक्टिविटीज़ का क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nursingcareerclub.com पर विजिट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।